हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ ऑटोमेटिक मैकेनिकल वॉच की, जो कि विनर की तरफ से आती है। तो चलिए फटाफट से मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। ये जो बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके से पैक होके आया था। अब मैं यहाँ पे इसको अपनी स्पेशल नाइफ से काट के इसको निकालता हूँ बाहर, और फिर इसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा आप लोगों को बॉक्स मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड का बॉक्स मिल जाता है। हो सकता है आप लोगों को अलग अलग या फिर दूसरी डिफरेंट पैकेजिंग में मिले, बट मुझे इस पैकेजिंग में मिला है। और फिर इसके बाद अंदर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो वॉच है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और ब्लैक कलर का स्ट्रैप दिया गया है और अच्छी तरीके से पैकेजिंग है ताकि कोई भी डिफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे मैं इसको खोल के बक्कल निकाल के और इसको निकाल के ये जो पिलो टाइप का मटेरियल दिया गया है इसको सेव करने के लिए, और फिर उसके बाद ऊपर एक आप लोगों को फोम टाइप लगा के दिया गया है, तो इसको भी निकाल लेता हूँ। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ में है मेरी वॉच। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेड कलर की वॉच है, इंटीरियर जो इसका रेड है और जो इसका एक्सटीरियर दिया गया है वो ब्लैक कलर का दिया गया है। और इस वॉच में बहुत खास बातें हैं और कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये विनर कंपनी की तरफ से है, और यहाँ पे ब्लैक डायल दिया गया है इसका, और लेदर का स्ट्रैप दिया गया है, उस पर भी हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पे बक्कल मिल जाता है आप लोगों को, और ब्लैक कलर की पूरी इसकी स्टिचिंग वगैरह बहुत अच्छी है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके बैक जो है वो ट्रांसपेरेंट है, और फिर इसके बाद चलते हैं इसके मेन खास बात के तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का पूरी वॉच जो है वर्किंग कंडीशन में है, और ये एक ऑटोमेटिक वॉच है, मैकेनिकल वॉच है, यानी कि इसमें सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आप लोगों को सेकंड का क्रोनो भी चलता यहाँ पे मिल जाता है, और कुछ वॉचेस में ये बस शो के लिए होता है, चलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे चलता है। ऊपर आप लोगों को टेकीमीटर मिल जाता है। अब जिन लोगों को नहीं पता टेकीमीटर क्या होता है, इससे आप स्पीड और डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप लोग सही से इसको यूज़ करना जानते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्रोनो मिल जाता है, जिससे कि आप इसमें डेट और टाइम को सेट कर सकते हैं, और साथ ही में ये एक विंडिंग, यानी कि इसको आप जैसे कि चाबी वाला खिलौना होता था उस तरीके से भी ये काम करता है। और आप लोग की जो ये जो वॉच है वो हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहती है अगर आप लोग इसको सही तरीके से यूज़ करें। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें और इसमें आप लोगों को मिल जाती है। तो क्रोनो वगैरह काफ़ी अच्छा दिया गया है, और विंडिंग जो करना है आप लोगों को ऐसे कुछ इस तरीके से नॉर्मली जो एकदम उसका लेवल होगा वहाँ से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ऊपर की साइड, उस साइड आप लोगों को करना है। पीछे का मटेरियल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है, और यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग चीज़ें लिखी हुई मिल जाती हैं, पहले स्टील बैक वॉच रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद HO 10M जो कि मुझे लगता है मॉडल नंबर है, और स्टेनलेस वगैरह लिखा हुआ है, स्टेनलेस स्टील, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी के वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पे आप लोगों को लूप मिल जाता है, यहाँ पे जो बकल दिया गया है उसकी भी काफ़ी मतलब कि मटेरियल काफ़ी अच्छा है वो, और उसके जो बकल टंग दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे, स्ट्रैप और इसकी जो प्राइसिंग, उसको देख के प्राइसिंग में आप लोगों को अभी लास्ट में बताता हूँ मुझे कितने की पड़ी। और फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पे जो इसका लेदर की स्टिचिंग है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है, और लेदर काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है इसकी स्ट्रैप में। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं इंटीरियर जो है रेड है, यहाँ पे डेट वगैरह सारी चीज़ें मेंशनड हैं, और जो लेदर की स्ट्रैप की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा है, और मतलब कि आप लोगों को एकदम चीप टाइप नहीं मिल जाता। जो इसकी प्राइस मुझे पड़ी है $16, जो कि लगभग होती है 1100 रुपये डिलीवरी लेने के बाद, और वैसे तो ये प्रोडक्ट जो है $12 का है, लेकिन मुझे डिलीवरी के बाद $16 का पड़ा। और यहाँ पे आप लोगों को 8 एडजस्टमेंट होल मिल जाते हैं, जिससे आप अपने कलाई पर अच्छे से बांध सकते हैं, और ये आप लोगों को हर तरीके के उसमें या जो मतलब जो पतले हैं वो भी और मोटे हैं वो भी पहन सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड्स है वो भी वर्किंग में है, जैसा कि आप देख सकते हैं वो वर्क कर रहा है, बट ये जो है दोनों एक्यूरेट नहीं है, दोनों ये वाला जो सेकंड है घड़ी का और वो जो सेकंड है वो दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो डिफेक्ट मुझे लगा ये, इसको हम रोटर कहते हैं, जो कि हमारी मैकेनिकल वॉच को चलने में काफ़ी मदद करता है, ये यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में नहीं है, और ये जो है एकदम एक्यूरेटली काम नहीं कर रहा है, यानी कि जिधर मैं इधर टिल्ट कर रहा हूँ उधर उसको सही से मूव करना चाहिए, जो कि यहाँ पे ये सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आगे बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों को जो पीछे की तरफ जो ग्लास मिल जाता है, जो कि आप लोगों को घड़ी के अंदर के पार्ट्स देखने में मदद करता है, वो भी अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। अगर आपका रोटर काम ना करे तो यहाँ पे आप विंडिंग करके भी इस घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छे से आपकी मदद कर सकता है और अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ चल भी सकता है।
अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ अपने हाथ पे पहन के कि कैसा आप लोगों को पहनने के बाद फील मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा हाथ काफ़ी पतला है और यहाँ पे मैं इसको एकदम लास्ट पे पहन रहा हूँ यानी कि 8th एडजस्टमेंट होल पे। और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को अभी ये पहन के दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको पहन ली है। और पहनने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी फिटिंग है और पीछे से देखने में चीप नहीं लगती है ये वॉच, और काफ़ी एकदम एक तरीके से रगड़ लगती है, कोई भी चीपनेस नहीं लगती ना देखने में ना इसको पहनने के बाद आपको कोई भी कंफर्ट अनकंफर्टेबिलिटी फील होती है। मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा इस रेंज में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक रेंडर साइनिंग ऑफ।